खुशामदीद मरहबा। वैक्सीनेशन पे बात कर लेते हैं। मेरी वैक्सीनेशन हुए हुए 1 महीना हो चुका हुआ है और आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस और उसके बाद क्या फीलिंग्स हुई मेरी, और कहीं से पुशल वगैरह तो नहीं निकल आई, कान तो नहीं भर गए और विंग्स तो नहीं निकल आई, एलियन तो नहीं बन गया, जो भी यानी आप लोगों के ये मिसकनसेप्शन पाकिस्तान में चल रहा है। मुझे जो सी वैक्सीन लगी है वो मॉडर्ना है, अमेरिकन, और उसकी वजह यह है कि मैंने ओवरसीज़ ट्रैवल करना था। फर्स्ट डोज के बाद मेरी तबीयत तकरीबन 24 घंटे काफ़ी ख़राब रही थी, या बुखार थोड़ा चढ़ा हुआ था, तबीयत डाउन थी, जिस्म टूट रहा था, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ था वहाँ पे खली सी बढ़ गई थी, और ग्रेट खली नहीं, खली वो जड़ी होता है जब जैसे जिम लगाओ पहले दूसरे दिन, उसके बाद बॉडी फिर हिलती नहीं है, ब्लड क्लॉट सा फील हो रहा था, या ब्लड क्लॉट, मुझे सॉरी वो लफ्ज़ भी याद नहीं है, तो वो काफ़ी फ़ील हो रहा था और तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और मेरे साथ अब्दुल हादी गया हुआ था, उसकी भी एक दिन काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड और दूसरी डोज, एक सेकेंड नहीं, ओके, तो 24 आवर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, यानी सॉरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हुई थी, बुखार उतर गया हुआ था और बॉडी में फिर भी थोड़ा बहुत पेन था, थकान थोड़ी सी फील हो रही थी और इधर अभी भी पेन थी। और 2 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली बॉडी मेरी फिट हो चुकी हुई थी और बैक टू नॉर्मल हो चुकी थी, और यहाँ पे लेकिन जो दर्द है ना वो कोई 4-5 दिन बाद गई थी, इट्स प्रीटी नॉर्मल एक्चुअली। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड दूसरी डोज, और दूसरी डोज के बाद भी मेरी कोई सिर्फ 5-6 घंटे तक ख़राब हुई थी, उसके बाद ज़्यादा नहीं। फर्स्ट डोज जितनी ख़राब नहीं हुई थी, थोड़ी सी लेकिन ख़राब हुई थी, और यहाँ पर अगेन खली फील हो रही थी, ब्लड क्लॉट सा फील हो रहा था, और लेकिन ये भी 12-15 घंटे बाद ख़त्म हो चुका हुआ था। सो प्रोसेस काफ़ी इजी था, लाइक ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि कुछ काम नहीं हो पा रहा, हो जाता है कभी कभार, आपकी सारा का इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। प्रोसेस काफ़ी इजी था। हम लोगों ने जो रजिस्टर करवा लिया हुआ था 1166 पे मैसेज करके आई गेस, और अपना सर्टिफिकेट, अपना आईडी कार्ड नंबर, और फ़ौरन मैसेज आ गया था। और एक्चुअली प्रोसेस इतना ईजी है यहाँ पाकिस्तान में कि आप इवन उधर वैक्सीनेशन सेंटर जाके फ़ौरन मैसेज भी कर दें, या मैसेज ना भी करें, उनको आईडी कार्ड पकड़ा दें, वो आपको रजिस्टर कर देते हैं। मुझे जो वैक्सीन लगी थी वो एक्सपो सेंटर में लगी थी, एक्चुअली हमने व्लॉग भी बनाया था, इधर आई कार्ड में लगा दूंगा, ज़रूर देखिएगा। और प्रोसेस टाइम बहुत कम लगा हमें, लाइक लिटरली हम लोग अंदर गए और डेस्क वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो बैठे हैं, अगला नंबर हमारा आ गया, कार्ड दिया उसने, पेपर निकाल के दे दिया, जहाँ पे जाके आपका सबसे पहले वो टेम्परेचर चेक किया उन्होंने बाहर ही कि बुखार वगैरह तो नहीं, और उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक किया, नॉर्मल था, उसके बाद सीधा इंजेक्शन लगा, और आई गेस 10 मिनट में हम लोग फारिग होके आ गए थे। और ये नहीं था कि खाली था, काफ़ी माशाल्लाह से भरा हुआ था, रश था वहाँ पे। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि वैक्सीन में है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन में पता नहीं कोई चिप्पा लगी हो, यानी बिल गेट्स सानू ट्रैक करेगा। सीधी जी गल है यार, थोड़ी जेब जो फोन जड़ा है ना, इसमें से आप लोग सिम भी निकाल दो, आप इवन 3310 भी रख लो, उसके अंदर से सिम कार्ड भी निकाल दो, फ़ोन बंद भी रखो, फिर भी आप ट्रैक हो सकते हो। अगर आप लोग के पास कोई भी टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ नहीं है, हर जगह सीसीटीवी है, आप लोगों को ट्रैक करना भाई कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दे कि आपको जो चिप्पा लग रही है, बिल गेट्स ट्रैक करेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चिप्पों वाला जो सुई भी होती है ना, वो देख के खौफ आता है। खैर, मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है, मैं आपको आसान अल्फाज में मोटा बताता हूँ। अगर आप लोगों ने डिटेल में इसके बारे में रिसर्च करनी है तो मैंने एक एक्चुअली वीडियो का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। वो कोई 8-10 मिनट उसने सही डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताया है। सो वैक्सीन के अंदर अब ये कह लें कि एक मुर्दा वायरस होता है। मुर्दा वायरस इन सेंस ये कि वो जब आपकी बॉडी में जाता है वो रेप्लिकेट नहीं होता, वो ज़िंदा नहीं होता, वो ख़त्म है, वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वैसे मुर्दा वायरस नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज अंदर बस डाली होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको फाइट करता है, उसको एज अ वायरस लेके चलता है। और उसकी मेन वजह यह है कि इम्यून सिस्टम जाके जब उससे लड़ता है तो उसको इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि अच्छा यार, एक नया किस्म का वायरस है, इससे लड़ना कैसे है। इस तरह से आपकी पहले तबीयत ख़राब होती है। इम्यून सिस्टम सबसे पहले आपकी बॉडी हीट इसी वजह से ज़्यादा करता है जब भी कोई वायरस आए आपकी बॉडी में, कि जो वायरस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो गर्मी में मर जाते हैं। इस वजह से हम लोग पानी या दूध उबाल के पीते हैं। तो इम्यून सिस्टम उससे लड़ने जाता है और उसको जाहिर सी बात है वो हरा देता है, बिकॉज वो आगे फाइट कर ही नहीं रहा, वो तो मरा हुआ है, मुर्दा चीज़ है, उसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज है उस वायरस की। तो इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है अच्छा यार ये वायरस है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, अगली दफ़ा ये वायरस आया तो इससे लड़ना कैसे है, इसको कैसे हराना है। और जब आपको फिर आगे खुदा ना ख्वास्ता कोविड होगा तो आप इम्यून सिस्टम को पता होगा कि भाई मैंने कोविड से कैसे लड़ना है। अब बात करते हैं ये एफिशिएंसी की। हर वैक्सीन की अलग अलग एफिशिएंसी है। फाइज़र 95% पे है और ये मॉडर्ना 90% पे है। इसी तरीके से कुछ वैक्सीन 60% पे भी हैं। इससे लोग समझते हैं कि यार जो 60% वाली है वो फजूल वैक्सीन है और 95% वाली जो है वो सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बहुत फ़र्क होता है। एफिशिएंसी बेसिकली ये चीज़ है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद कोविड हुआ है कि नहीं। जैसे अगर 100 लोगों को ट्रायल में वैक्सीन लगी है फाइज़र की, उनमें से 95 लोगों को कोविड नहीं हुआ और 5% लोगों को 5 लोगों को लगा सॉरी कोविड हुआ है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, फिर इसका मतलब यही है कि फाइज़र बेहतर है कि आपको वो लगाने के बाद आपको कोविड नहीं हुआ। ये भी बात गलत है, क्योंकि बात ये है कि अब आप लोगों ने देखना होता है ये एफिशिएंसी जो है ना, ये आपको नहीं बताती कि कौन सी वैक्सीन कितनी बेहतर है, क्योंकि आपने ये देखना होता है कि कौन सी वैक्सीन का ट्रायल किस जगह पे और किस टाइम पीरियड में हो रहा था। जब फाइज़र का ट्रायल शुरू हुआ था वो आई गेस यूरोप में हो रहा था उसका ट्रायल, और उस टाइम यूरोप में कोविड बहुत कम था, इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा था। जबकि जो सी 60% वाली है, मुझे उसका भी नाम नहीं याद, उसका जहाँ पे ट्रायल हो रहा था वहाँ पे कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा था। डेट्स वाई एफिशिएंसी जो है वो मैटर ही नहीं करती। एफिशिएंसी से आप गैस ही नहीं कर सकते कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कौन सी वैक्सीन बेहतर नहीं है। ये देखना भूल जाए कि भाई फाइज़र बेहतर है या दूसरी वैक्सीन। आपने जो चीज़ देखनी है, जो चीज़ वैक्सीन जिस वजह से लगाई जाती है वो ये है कि जो आपको वायरस है वो आपको हॉस्पिटल तक ना ले जाए या आपको डेथ तक ना ले जाए, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हर वैक्सीन कर रही है। कोई भी जो वैक्सीन लगाने के बाद जितने वैक्सीनेटेड लोग हैं, ये नहीं कि किसी को कोविड नहीं हुआ, हुआ है कोविड। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ है, लेकिन उनकी हालत ऐसी ही थी जैसे आपको जब एक नॉर्मल बुखार होता है या नज़ला ज़ुकाम होता है तो वैसी होती है। वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आपकी बॉडी के लिए सिर्फ एक बुखार रह जाएगा। आपके इम्यून सिस्टम को पता है कि उससे लड़ना कैसे है, तो वो उसको ज़्यादा मल्टीप्लाई होने का, उसको रेप्लिकेट होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बिकॉज कोविड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कब होता है, जब वो आपके लंग्स में जाके अटैक करता है, और लंग्स में जाके तभी अटैक कर पाता है जब आपका इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि ये वायरस से लड़ना कैसे है, और इम्यून सिस्टम आपका वीक हो। इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम का साबुन थोड़ा स्लो है और उसको स्टडी, वायरस को स्टडी करने में टाइम लगता है। तो जब वैक्सीन लगवाने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को पता लग ही गया है कि ये क्या वायरस है और इसका किस तरह लड़ना है, तो फिर वो कोविड इतना मल्टीप्लाई होता ही नहीं कि वो आपके लंग्स तक जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या वेंटिलेटर्स पे पड़ जाए या इवन डेथ हो जाए। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट। और इस वजह से आप लोग भी जाएं, वैक्सीन लगवाएं, नो मैटर सिनोफार्म है, सिनोवाक है, और ये मॉडर्ना है, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, जौन से भी लग रही है आप जाके लगवाएं। आई नो, यानी सिनोवाक और सिनोफार्म का ये कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है कि चाइना की वैक्सीन लोग रजिस्टर नहीं कर रहे, तो आई गेस जिन्होंने आगे ट्रैवल करना है वो तो दूसरी वैक्सीन ही लगवा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो एटलीस्ट सिनोवाक सिनोफार्म लगवा लें। आप अपनी डबल डोज करें, वैक्सीन लगवा लें, ताकि आप लोग, आपको और आपके प्यारे जो हैं वो इस वैक्सीन से सेफ़ रहें। और जब आपने कभी अगर बाहर ट्रैवल भी करना होगा तो आपको फाइज़र की एक बूस्टर डोज, अभी फाइज़र की बूस्टर डोज आ रही हैं, और उसके अलावा इंशाअल्लाह मॉडर्ना, बाकी भी वैक्सीन की आ जाएंगी, तो वो आपको एक बूस्टर डोज लग जाएगी और आप ट्रैवल कर सकेंगे। अब एक आखिरी मिसकंसेप्शन की बात करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि यार अब हमें तो वैक्सीन लगी है, हम मास्क क्यों पहने, SOPs क्यों फॉलो कर, हमें तो वैक्सीन लगी है, वो यार वैक्सीनेटेड। यार बात ये होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवन तो अगर आपको वैक्सीन लग चुकी हुई है, डैट डजंट मीन कि आपको कोविड नहीं होगा। आपको कोविड होगा लेकिन वो आपके लिए एक आम बुखार सी चीज़ है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई अनवैक्सीनेटेड बंदा है, वो सेफ नहीं है कोविड से, उसका शायद इम्यून सिस्टम वीक हो, काफ़ी वीक हो, तो आपके थ्रू उसको कोविड चला जाएगा और उसकी हालत काफ़ी ख़राब भी हो सकती है। सो डैट्स वाई आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी SOPs को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सेफ, बट द पर्सन हु इज़ अनवैक्सीनेटेड इज़न्ट। सो मेरी तो आप लोगों से ये दरख्वास्त होगी कि काइंडली जाके जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन अवेलेबल हैं, जाके वैक्सीन लगवाएं हम लोग, यानी बैक टू नॉर्मल टाइम भाई। वो दुनिया जो 2019 वाली है उसमें वापस चले जाएं। तकरीबन 2 साल हो गए लोग फंसे हुए इसी वजह से, और घबराएं नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, वैक्सीन आर सेफ, वैक्सीनेट हो जाए, कोई इशू नहीं है, कोई चिप नहीं है, कोई ये नहीं है कि 2 साल बाद बंदा मर जाएगा। मौत का तो किसी को कुछ पता नहीं है, अगले सेकंड मर सकते हैं। गो एंड गेट वैक्सीनेटेड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।